20 लाख रुपए की स्मैक के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्मैक का विक्रय करने वाले आरोपी गणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 80.43 ग्राम स्मैक कीमती करीब 20 लाख रुपए एवं एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल एवं दो इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे कीमत 52,000 रुपए कुल मशरू का 20,52,000 रुपए को जब्त किया गया। फिजिकल थाना प्रभारी रजनी चौहान ने बताया कि 21 जुलाई को सूचना पर बाजा घर के पास से आरोपी विकास पिता विष्णु राठौर उम्र 19 साल निवासी कमलागंज पुल के पास शिवपुरी से 45.29 ग्राम इसमें कीमत करीब 11,50,000 रुपए एवं करवला त्राहा के पास से आरोपी रामेश्वर लोधा पिता रामनारायण लोधा उम्र 31 साल निवासी नगदी वारा राजस्थान के कब्जे से 35.14 ग्राम इसमें कीमत करीब 8,50,000 रुपए एवं एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक RJ28CU4817 कीमत करीब 50,000 रुपए को जब्त किया गया तथा उक्त दोनों आरोपी गणों के खिलाफ थाना फिजिकल पर NDPS एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। ये कल दिनांक को पुलिस को सूचना मिली थी इसमें को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बाद मेरे द्वारा दो अलग अलग टीमें रवाना की गई थी और तीनों जो हमारे द्वारा जो टीमें रवाना की गई थी उनके द्वारा अलग अलग दो कार्रवाइयों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे हमारे द्वारा 80.43 ग्राम इसमें बरामद की गई है। इसके अलावा एक आरोपी से उसकी मोटरसाइकिल जो वो घटना में प्रयुक्त कर रहा था उसको भी बरामद किया। इसकी पूरे माल की कीमत है 20 लाख रुपए जो इसमें है उसकी कीमत 20 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और जो मोटरसाइकिल है और टोल कांटे भी बरामद हुए हैं उनकी कीमत 52,000 रुपये। इनके ऊपर अभी पूर्व में अपराध की जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस के द्वारा। इसमें एक आरोपी शिवपुरी का रहने वाला है जिसका नाम विकास पिता विष्णु राठौर उम्र 19 साल निवासी कमलागंज पुल के पास, इससे हमारे द्वारा 45.29 ग्राम इसमें बरामद की गई है और जिसकी कीमत 11,50,000 रुपये। जो दूसरा आरोपी है ये राजस्थान का रहने वाला है, ये यहाँ इसमें बेचने के उद्देश्य से आया था कि कोई ग्राहक मिल जाए तो मुझसे इसमें बेचती हूँ, जिसका नाम है रामेश्वर लोधा पिता रामनारायण लोधा उम्र 31 साल निवासी नगदी बारा राजस्थान, इसके कब्जे से 35.14 ग्राम इसमें बरामद की गई है जिसकी कीमत 8,50,000 रुपये। क्या मैम अलग अलग जगहों से पकड़े आपने? कनेक्शन है आपस में? नहीं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये हमको अलग अलग सूचनाएं प्राप्त हुई थी तो टीमों के द्वारा अलग अलग कार्रवाई की गई। ये तो राजस्थान की स्मैक है। नहीं, ये आरोपी जो पकड़े हैं उनसे आपने ये जानकारी हासिल की गई? ये आखिर लाते कहाँ से? ये बराबर ये जो एक इसमें के विकास के द्वारा बताया गया है कि ये राजस्थान से कहीं से लेके आता है, इसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। शिवपुरी का जो आरोपी पकड़ा ही आया है उससे जानकारी मिलेगी? ये कहाँ पे? राजस्थान से लेके आता है, जिसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन व्यक्ति है, किससे ये डीलिंग करता है। साथ ही ये रामेश्वर लोधा के द्वारा बताया गया कि मणिपुर उससे कहीं से इसको स्मोक प्राप्त हुई थी जिसको उसने यहाँ कपाने की कोशिश की थी। ये पर्टिकुलर किसी जगह कपाने जा रहा था या ये पर्टिकुलर कपाने नहीं जा रहा था, ये आया था कि कोई ग्राहक मिल जाए तो हम उससे इसमें उसको इसमें के बेच। आरोपी ने बताया कब से काम कर रहा है इसमें? ये जो रामेश्वर लोधा ये पहली बार इसके द्वारा काम कर रहा है। मैंने पकड़ा कहाँ से? इसमें से जो विष्णु राठौर है, जो आपका विकास राठौर है, इसको बाजा घर के पास से पकड़ा है। साथ ही जो रामेश्वर लोधा है इसको करबला चौराहे के पास से। अच्छा मैडम, जो कमीशन रेट पर काम करते हैं या खुद ही खरीद कर लेकर आते हैं? ये स्वयं ही लेके आते हैं।